मम्मी का चूरमा बन गया, मीठा और घी मिलेगा अभी तो। तलू थोड़ा सा गूंद अगर डालना हो तो थोड़े से, नहीं नहीं ज्यादा ही हो जाए, सिंपल ही रखो है ना, कोई खाता तो है नहीं, जरा सही बहुत ये भी बट जाएगा थोड़ा। हाँ सही कह रहे हो, गूंद से हो रहा है वो, लड्डू ही रखे अभी तो, गूंद के लड्डू ही यही नहीं खाए गए। मैंने मिंत्रा से आया मेरा सामान, पहली और मांग रही है माँ जी। लो माँ जी, खूब बड़ी है ना, सही है ना, इतनी चाहिए थी। हे फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो पता है ये मकर संक्रांति वाला व्लॉग है, और ये पता नहीं क्यों इतना लेट हो गया, मैं इसकी एडिटिंग क्यों नहीं कर पाई, शायद सर्दी ने ना थोड़ा सा लेज़ी बना दिया मुझे, बट फिर भी मैं एक प्यारा सा होम टूर तो लेके आई ना आपके लिए इससे पहले। तो चलिए अब आप ये व्लॉग भी इंजॉय कर लीजिए, मकर संक्रांति का व्लॉग। सो मकर संक्रांति वाले दिन ना मम्मी ने चूरमा दाल वगैरह ये सब बना दिया था, और जो माँ जी हैं वो आती हैं जैसे, तो थोड़ा बहुत दान पुण्य कहते हैं, इस दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत जो भी हमसे बन पड़ा वो सब कर दिया मम्मी ने, जिसको जो देना था, और बस अब किचन का काम हो गया। तो मैं और मम्मी वही कर रहे हैं, मैं पूरा किचन समेट रही हूँ और मम्मी अपना सारा बस रख रही हैं बना के सबका खाना। बस बर्तन साफ करने हैं और मशीन में जो कपड़े डाले हैं उसको खाने हैं। तो तीन मेरे प्लाजो ड्रेस और एक जींस, ये तो बिल्कुल सही है, मैंने तीनों कपड़े थामा इसको बोलने दो, तीनों कपड़े ट्राई करके देख लिए। ये देखो रोना ही लग जाता है। और आज मम्मी क्या कर रहे हो, ये है आप क्या कर रहे हो, देखना फोन चला रही हो, फोन में देखना रहे मम्मी देखो फोन छिपा के, धूप की वजह से नहीं दिख रहा। ये देखो रोंदू मेरा। तो देखो माही सर्दी में नहा के आया है, लेट ना आया बट नहा के, अब ये खाना खा के चूरमा दाल खाएगा और फिर ट्यूशन जाएगा। माही बड़ा हो गया आजकल, नहा भी लेता है, जब से बेचारा हैदराबाद गया है नहाना भी सीख गया है, तैयार होना भी सीख गया है। तो सच्ची में बच्चे को भेजो वो इतना मैच्योर हो जाता है, बट रोंदू तो है ये अभी भी, कोई बात नहीं मेरी क्यूटी पाई है मेरी। पहनो पहनो जल्दी पहनो, देखो खुद से तैयार हो जाएगा। यार सर्दी में एक ही कपड़े को ना दो तीन दिन पहनना पड़ता है, बट ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना ये गंदी हो जाती है, नीचे वाले तो चल जाते हैं। पहनो पहनो स्लीव्स पकड़ो, हाँ ये वाली भी पकड़ो, अब पहनो इसके ऊपर क्या पहनेगा, जैकेट है ना। अच्छा लोअर पहननी है जींस पहननी है, जल्दी बताओ जींस। ट्यूशन हीरो बन के जाना है भाई नीचे लोअर पहन के जाना, ट्यूशन में जींस पहन के जानी, ठीक है पहनो। है ना चूरमा दाल खाएगी ना, चलो जाओ जाओ बाय बेटा बाय। माई जल्दी करो लेट हो रहे हो बेटा, वो देखो कब से ऐसी टेढ़ी है।
उसको सही करने दो। ये बच्चे कर देते हैं। दोनों को ट्यूशन भेजना, स्कूल भेजना एक बहुत बड़ा टास्क है, और वो अब हो गया है। तो अब मैं खाऊंगी दाल चूरमा, सिंपल सा, बस यही बनाया है, सिंपल सा खाना। थोड़ा अजीब लग रहा है ना धूप में, सबको लगेगा इसको ऐसी क्या ठंड लग रही है। ऐसा दिन होता है ना तो काम करने का भी मन करता है और थोड़ी प्यास भी लगती है, और वैसे भी चूरमा खाया ना, सही में प्यास लग रही है। तो और पता है क्या, आज मेरा एक और कुरियर आया है, और वो आया है कि मतलब क्या है इसमें पता है, इलेक्ट्रिक कैटल। मुझे इतनी हैरानी होती है कि हमारे घर में आज तक कभी इलेक्ट्रिक कैटल नहीं आई, मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाई है। इतना सब सारा सामान होते हुए भी इलेक्ट्रिक कैटल मेरे पास नहीं थी, वो मैंने अभी मंगवाई है। तो पानी गर्म करते हैं, प्यास लग रही है। सर्दियों में तो गुनगुना पानी पिया जाता है, आरओ से लेके तो इतना ठंडा लगता है जैसे फ्रिज का पानी हो, पिया भी नहीं जाता। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं आपके सामने कैटल। प्रेस्टीज की है, 1.5 लीटर की है ये। मेरे घर में इलेक्ट्रिक कैटल नहीं थी इतना कोई जरूरी भी नहीं है, गैस चूल्हा है ना, आप उस पर गर्म करके पी सकते हैं। तो मैं इसको ना यहीं पे रख दूंगी क्योंकि ये जगह सही है, यहाँ पे स्विच भी है और स्पेस भी है। ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए मुझे, सही गर्म हो गया यार। पता है ये सिर्फ ना वाटर के लिए ही है, इसमें आप जो मिल्क है वो नहीं बॉईल कर सकते या कुछ और भी, ओनली फॉर वाटर। ठीक है, सेट भी हो गया हमारा तो यहाँ पे। ओके, गरम पानी अच्छा खासा गरम हो गया यार 10 सेकंड में। गरम हो गया, इतना गरम तो मैं पीती भी नहीं हूँ, मम्मी पीती है इतना गरम। सही है, वो पता है महंगी भी नहीं है, डिस्काउंट में इतनी अच्छी मिली है। ये पता नहीं कितने की मिली है मुझे, 750 या कुछ ऐसे, हाँ, और 1.5 लीटर की। सही, अच्छी डील थी। पहले वो बैग उठा के अंदर रख, यहां से जो भी सामान फैलाया है ना पहले, और ये बोतल कैसे गिरा दी, मैं चाहूंगी भी नहीं देख ले फिर। ये सब कुछ ठीक कर जो भी, ये शटल वटल सब अपनी जगह पे रख, यहाँ नहीं रख, बोतल किचन में रख। जब कुछ काम होता है तो ये भी कितनी जल्दी काम करते हैं, पीछे पड़ रहा है कि चल के मेरा शटल जो रैकेट है, सॉरी जो रैकेट कल डाल के आया था ना स्ट्रिंग के लिए, वो लेके आना है मुझे, चलो इसलिए कर रहा है। बन गएगा मम्मा आप रख दो ना, मैं जा रहा हूँ आप रख दो। ये बॉटल भी रख क्या, और नीचे आ जाओ। सनी मेरे से कह रहे ये हटा दो, मेरे साथ चलना है तो हटा दो। हैं क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है, बेकार लग रहा है बेटा, ठंड लग रही है, फिर मेरा हेडेक होता है। बड़ी हवा चल रही है, क्या हुआ, खुला नहीं, बेटा आप तो बस 2 दिन बचे हैं, स्कूल जाएगा ना, सही और हो जाएगा। बढ़ गई सरकार में, न्यूज़पेपर पढ़ के देखो, गिलाक्षी मम्मी और क्रिश खैर थे, 23 तारीख तक और बढ़ गई, मैं पागल हो जाऊंगी और भी छुट्टियां बढ़ गई। हो गया, चले
इसके लिए भगा के लाया मुझे। अब लग गई इनको भूख, क्योंकि चूरमा तो बच्चे इतना खाते नहीं है ना। अब इनको वो जो मटर बनाई थी ना कल, उसके पराठे बना के दे देती हूँ। ये दोनों ही कैसे जमा पड़ा है। मम्मा फन फॉर यू। नहीं नहीं तुम पराठा खाओ। ये देखो कितना अच्छा, इसमें मटर फुल है अंदर। ये देखो हाँ अंदर से खट्टा मीठा। लो लो अचार। अचार खाएगा? ये डाला उसने, मैंने बोला ये डाल ये डाल, फिर भी नहीं। कल का केक याद आ रहा है कि उसने बेकिंग सोडा, सन्नी ने ये वाली चम्मच डाली। सही में माही ने बोला था छोटा सा डलेगा, और सनी ने कौन सी वाली डाली? ये वाली भर के डाली। और कौन सी डालनी थी? ये डालनी थी। इसकी कहना नहीं माना छोटे का, और बड़े बच्चे ने बड़ी डाल दी। उसको लगा ये अपने साइज के अकॉर्डिंग बता रहा है, तो तू अपने साइज की वाली डाल ले, है ना। लो खाओ, हैंड वॉश कर लिए? मैं लाऊंगा खाने के बाद ये। हाँ। और वापस बनाऊंगा। पूरा फिनिश चाहिए। लो बेटा प्लेट निकालो। तुम्हें अचार चाहिए हैं? ले लो फिर। ये रहा कितना, ये क्यों रख दिया माई ने सब कुछ निकाल के? ले रहा